नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हेड ऑफिस के अंदर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए, तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने केंद्रीय कार्यालय के गेट के बाहर बैरिकेडिंग की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 13 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री सचिन राजपुरोहित ने बताया कि पिछले 3 माह से एबीवीपी की ओर से यूनिवर्सिटी के कुलपति को विभिन्न मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि उनकी प्रत्येक मांग विद्यार्थियों के हित में है। पिछले 3 माह में 84 सूत्रीय 17 सूत्री मांगों सहित अलग अलग मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने गुरुवार को छात्र संघ चुनाव के लिए शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को 2 दिवस में पत्र लिखकर आग्रह करने, विश्वविद्यालय की सिंडिकेट से वित्तीय अनियमितता के आरोपी प्रोफेसर KR पटेल को हटाने, सेमेस्टर परीक्षाओं की फीस कम करने, परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाने सहित विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में छात्र छात्राओं के लिए कैंटीन एवं शौचालय की व्यवस्था कर, छात्राओं की कॉमन रूम और ई मित्र की व्यवस्था करने, सभी संकाय में शुद्ध पेयजल, शौचालय व कक्षों की साफ सफाई सुनिश्चित करने, CCTV कैमरे लगाने, सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैग सामान के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने, सभी संकायों की नियमित कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिष्ठाताओं को पाबंद करने, बैंक खातों का हस्तांतरण सार्वजनिक बैंक से निजी बैंकों को करने की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से निरस्त, अनियमितताओं के दोषियों पर कार्रवाई करने, संविधान निर्माताओं की प्रतिमाएं स्थापित करने, छात्र छात्राओं को अवसाद मुक्त करने के लिए जीवन परामर्श केंद्र खोलने, गत 3 वर्षों में वित्तीय एवं पदोन्नति प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करने आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इधर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने समस्त छात्र शक्ति के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है। हमारे प्रदर्शन की कुछ मांगे इस प्रकार है। विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा भ्रष्ट कुलपति है KL श्रीवास्तव, उसने विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर को बिल्कुल खराब करके रख दिया। आए दिन विश्वविद्यालय में अनियमितताएं पाई जाती है, अनाप शनाप भ्रष्टाचार हो रहे हैं और केवल कुछ उनके चुनिंदा नुमाइंदे जो है खत्ताराम पटेल, हेम सिंह गहलोत जैसे जो उनके कुछ खास प्रोफेसर है उनको कुलपति नजदीक में रखता है, उन्हीं को सारी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर फीस भरकर पढ़ने आता है वो हर एक मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। विश्वविद्यालय में एक भी ऐसी सुविधा नहीं है जो विद्यार्थियों के हित में हो। हम पिछले 2 महीनों से VC को अवगत करा रहे हैं विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेकर के, लेकिन हमारा जो भ्रष्ट कुलपति है उसके कानों का जूं तक नहीं रेंगे। आज विद्यार्थी परिषद समस्त छात्र शक्ति के साथ केंद्रीय कार्यालय पर आई है। हमारी छात्र संघ चुनाव की भी मांग रहेगी प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाए, और अगर कुलपति महोदय जल्द से जल्द आकर के हमारी मांगों को नहीं सुनते, हमारी मांगों का निवारण नहीं करते, तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता यही केंद्रीय कार्यालय पर धरने पर बैठेगा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेगा। सचिन राजपुरोहित, प्रांत सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर। आज विद्यार्थी परिषद 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर छात्र संघ चुनाव जो पिछले सरकार ने बंद किए वो चुनाव होने चाहिए, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जा सके। वहीं विश्वविद्यालय के अंदर जो 3 वर्ष के अंदर अनियमितताएं हुई है उसके ऊपर उस सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कमेटी बना के उनके जांच किए जाए। साथ में ऐसे लोगों को संवैधानिक पद में VC साहब ने बिठाया जिनके ऊपर अनियमितता के आरोप लगे हुए हैं, उनको अभी संवैधानिक पदों पर VC साहब के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके तुरंत प्रकार से उनको निरस्त किया जाए। और ऐसी 13 मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज हमारी मांगें पूरी नहीं मानी जाती है तो विद्यार्थी परिषद आज यहाँ धरने पे बैठेगा। किसी साहब के बार बार आग्रह करने पे भी विद्यार्थी परिषद के सामने किसी आना में अभी नाकाम रह रहे हैं अपने इस नाकामी को छुपाने के लिए, किसी पूरे प्रशासन को आगे करें, लेकिन ये एक बार रुकने वाले नहीं है। 1 वर्ष से जो मांगे लेके छात्र हितों के लिए जो 13 सूत्रीय मांगे लेके हैं उनके लिए अभी प्रदर्शन निरंतर जारी है और आगे जारी रहेगा। श्याम शेखावत, प्रधानमंत्री, जोधपुर। विद्यालय में लगातार हो रही अनियमितता और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा एक स्टेटमेंट देना कि छात्र संघ चुनाव उन्होंने बंद किए तो हम क्यों शुरू करें, इसके विरोध में हम लोग विश्वविद्यालय में आए हैं और कुलपति जी से ये निवेदन करने आए हैं कि अगले 24 घंटे में आप लोग सरकार को और राजभवन में एक पत्र लिखें कि हम लोग छात्र संघ चुनाव के पक्ष में, क्योंकि पिछली सरकार में कुलपतियों की आड़ में छात्र संघ चुनाव बंद किए थे। तो हम तो पहली मांग यही कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की स्वीकृति के लिए एक पत्र लिखे सरकार को, और दूसरी बात यह है कि नई शिक्षा नीति को आड़ बना करके जिस प्रकार से फीस वृद्धि की जा रही है, राजस्थान में सबसे अधिक परीक्षा शुल्क और कोर्स की शुल्क इसी विश्वविद्यालय में, और भी विश्वविद्यालय हैं उनमें नहीं है, इस प्रकार की बहुत सी अनियमितताएं हैं उनको लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका परिचय सर? मेरा अरविंद सिंह भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय।